आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज वीडियो हम लेकर आए हैं, बेसिकली वो एक तेलुगु मूवी है जो कि रिलीज हो चुकी हुई है, लेकिन अभी क्या है कि अभी वो हिंदी में आ रही है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं उसका ट्रेलर। लेकिन वो कौन सी मूवी बताएंगे मौजा? टाइटल है सीता रमम। और डायरेक्शन की बात करें तो उसको डायरेक्ट किया है हनु राघवपुरी ने। और अगर प्रोडक्शन की बात करें उसमें है सी अस्वानी दत्त। और स्टार कास्ट में भाई सबसे पहले तो हम बोलना चाहेंगे हैं दिलकर सलमान, मरुनल ठाकुर। दिलकर सलमान है, दिलकर सलमान नहीं है। और इसके अलावा रश्मिका मंदाना है और सुमांत है। सुमांत है। और तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी, इस खत को सीता महालक्ष्मी तक तुमको ही पहुँचाना है। सीता का नाम ही नहीं। सीता महालक्ष्मी इस नाम की भूत भविष्य वर्तमान काल में भी कोई नहीं है। अब कैसे ढूंढे सीता को? मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर राम मिल गए तो सीता भी मिल जाएगी। लेफ्टिनेंट राम, मद्रास रेजिमेंट, सर्विस ईयर 1965। सीता अब हो कौन? खतरनाक दिखती है, तुम्हारी माँ जैसी है। आपको चार बातें क्या लिख कर भेज दी हमने? कश्मीर को बर्फ के हवाले करके आ गए। सीता जी, मैं अकेला था, सोचता था ठीक है, फिर आपने खत लेकर ख्वाब दिखाए और अब वापसी का टिकट देकर जगा रही है। 1964 में भी ऐसा ही होता था क्या? सुनो सीता, बीस साल पहले उनके साथ काम कर चुके लेफ्टिनेंट राम के बारे में बात करनी है। वो कौन है? अभी कहाँ है? कहाँ से आई है? ये लेटर सीता को देना है। 20 साल हो गए ये नाम सुने हुए। सफर में जिसका इंतजार था वो मिली या नहीं? जवाब देना चाहती हूँ पर हालात इजाजत नहीं दे रहे। मैं यहाँ इतनी दूर राम का प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने है। कौन है ये राम? आज से मैं अनाथ नहीं हूं ना? भाई ट्रेलर देखकर ना मुझे कुछ ऐसी मूवीज याद आ गई जो क्या नाम है, आप देखते ना उनकी स्टार्टिंग होते हैं तो वो बड़ी सीधी सीधी लगती हैं, उनकी स्टोरी आपको जो है ना बड़ी भारी होती है, लेकिन एकदम उनमें ना ट्विस्ट आ जाता है, एकदम वो कहते हैं पूरी स्टोरी बदल जाती है। बिल्कुल। और कहानी इतनी सीधी लग नहीं रही जितना शुरू में दिखाया गया है। मुझे ऐसे लगता है कि जो जो राम है वो मिसिंग होते हैं, ठीक है, और उन्होंने कोई लेटर सीता के लिए जो दिया होता है वो मे बी अपने किसी फ्रेंड को, कलीग को दिया होता है कि वो उसको देना, और वो नहीं दे पाते किसी रीजन की वजह से। वैसे मैं बहुत ज़्यादा अनुमान लगा रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मूवी देख ली होगी उनको तो पता ही होगा, बट मुझे जहाँ तक मैं स्टोरी समझ पाई मुझे कुछ इसी तरह की लग रही है। और मुझे बीच में कुछ इंडिया और पाकिस्तान का भी एंगल लग रहा है इस मूवी। मुझे जो है भाई बीच में वैसे राम तो मिस नहीं लग रही, मुझे सीता मिस लग रही है कहीं पर। वो भी मिस होंगी, मुझे लग रहा है कि राम भी मिस होंगे, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है जो अभी तक का हम लोगों ने यू नो, मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, राम भी मिस होंगे मुझे लग रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो लव स्टोरी का जो एक एंगल है वो राम जी और सीता जी से ही लिया गया है कि लाइक मतलब जो नाम रखा गया उससे अगर हम लोग बात हाँ करें। ये तो वैसे है कि जो अगर मूवी के नाम भी में भी देखे तो सीता राम जो है वो आ रहा है, और अगर मूवी का जो मेन कैरेक्टर है उनके नाम भी यही है। लेकिन जो है बीच में आपने जो पाकिस्तान वाली एक बात की है तो मुझे वो खैर नहीं इतना फील हुआ कि इनके हाँ बीच में ये दिखाया हुआ कि उनका जो पोस्टिंग है लेफ्टिनेंट राम की वो कश्मीर में कहीं पर हुई हुई है, तो और उनको अनोनिमस लेटर्स मिलते रहे। हाँ
हैं, और फिर उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा देखा भी कि वो ढूंढते हैं उनको, और फिर जब ढूंढ लेते हैं फिर उसके बाद होता ये है कि यू नो जो सीता है आई थिंक वो कहीं पर मिस हो जाती हैं और फिर वो उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। हम खैर अपने अनुमान ही लगा रहे हैं सारे। थोड़ा सा वैसे मैंने अभी इसमें भी पढ़ा है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कहीं पर या हो सकता है जो रश्मिका है वो राम की कुछ लगती हो, क्योंकि तुम ये देखो 1965 के रेजिमेंट का बताया गया है दुलकर का, तो ये तो खैर देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये कि मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही हम कहेंगे कि एक आपको यू नो एक इंटरेस्ट आपका इन्वॉल्व करती है मूवी के इस तरह की स्टोरी लाइन चल रही है। सो मुझे इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि मूवी देखने का काफी ज्यादा मजा आएगा, कि वो जो लेटर है उसमें क्या लिखा हुआ है मुझे इसकी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है खुद को, और सीता जो है वो कौन है एक्चुअल में, क्या वो भी किसी मिशन पर है ये भी हम लोगों को नहीं पता, तो ये जब हम देखेंगे तो मुझे लगता है फिर मजा आएगा क्योंकि काफी मिस्ट्री मुझे नजर यार क्योंकि बीच में अगर देखा जाए ना बीजीएम की भी बात कीजिए वो भी हर सीन के साथ इस तरह का दिया हुआ है कि आपको जो है ना एक मिस्टीरियस टाइप लग रही है तो वैसे ये पीरियडिक रोमांटिक जो है मूवी ड्रामा मूवी है, लेकिन जो है ना कहीं वो आपको एक थ्रिल बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो बीच में ऐसा ट्विस्ट आएगा जो कि सब कुछ जो है पलट देगा, क्योंकि जब वो बीच में एक जिक्र आता है ना जहाँ पे एक लेडी कहती है 20 साल बाद ये नाम सुन रहे हैं, उसके बाद जो सीन स्टार्ट होते हैं ना वो काफी इंटेंस तरह के सीन है कि एक वो कहते हैं ना कि एक ये कोई चीज ऐसी होती है कि भाई हड़बड़ी मच जाती है, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं कि वो दबी रहे वो जो है ऊपर ना आए, तो वो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनमें भी एक हलचल नजर आती है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें बीच में नजर आ रही हैं कि भाई काफी ज्यादा जो है ना वो ट्विस्ट होने वाला है इस मूवी में, इसलिए तो मुझे लग रहा है कि शायद राम भी कहीं पर मिसिंग होते हैं, और लेकिन एक मेरा अनुमान ये भी है कि हो सकता है जो रश्मिका है वो राम की कुछ लगती हूँ आगे से, मतलब क्योंकि पीरियोडिक मूवी बनी हुई है तो जो सीता और राम है वो मतलब काफी बड़े बनाए हुए उस लिहाज से अगर देखा जाए, बट एनीवे मूवी देखेंगे तो मजा आएगा। अच्छा वैसे मजे की बात यह है कि जितने भी हम लोग साउथ इंडियन मूवीज के अभी स्क्रिप्ट देखते हैं इतने स्ट्रॉन्ग आते हैं कि यानी जो मूवीज बहुत सिंपल भी लग रही होती है ना उनमें भी आपको कुछ ना कुछ मिस्ट्री जो है वो मिल जाती है कि भाई इसमें ये मतलब वो एक यू नो अपनी ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, और रश्मिका जी की मैं बात करना चाहूंगी बहुत खूबसूरत विद खूबसूरत स्माइल, और भाई दुलकर सलमान साहब के बारे में अगर अब बात करूँ तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हम लोगों को बोला था कि हम इनकी जो मूवीज हैं उनको देखें और उन पर रिएक्ट करें, तो वैसे तो हम लोगों को कोई इतना मतलब मिला नहीं था लाइक किसी ने उस तरह से रिकमेंड नहीं किया, तो आज जब ये रिकमेंड हुआ है तो हम लोगों ने सोचा कि जरूर हम आपके साथ बैठकर ये देखते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मूवी जो तेलुगु में रिलीज हुई है उसका बजट 30 करोड़ था और 78 करोड़ उसने बॉक्स ऑफिस में अर्न किया है, और ये 5 अगस्त को रिलीज हुई है बिल्कुल, और इट मीन्स कि ये जब बाकी लैंग्वेज में रिलीज होगी तो ऑब्वियसली और ज्यादा अर्न करेगी। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी, जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आपको ये एक्टर जितने भी इसमें देखे हैं, मरुणाल ठाकुर की बात करूं कमाल की एक्ट्रेस हैं, उनकी काफी सारी मूवीज मैंने देखी हैं, तो आप जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट एक्टर कौन है इसमें, और इसी के साथ हमें गुड बाय।